जी है और द स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में हम फिर मौजूद हैं। और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं, बिकॉज बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर हम जो कुशन से डेड बॉल हमें मिलता है वो हम किस तरीके से खेल सकते हैं, यहाँ से मोस्टली मिस क्यों हो जाता है प्लेयर्स का जब आपका वाइट बॉल ऐसे डेड आ जाता है। पहली बात तो ये कि दुआ करें ना ही आए क्योंकि ये सबके लिए मुश्किल होता है, हमारे लिए नहीं, तमाम दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स इवन जो हैं वो भी इससे जान छुड़ाते हैं, वो कहते हैं यार एक अलाव है। लेकिन ये है कि हमें इसको एक तरीका आना चाहिए कि हम किस तरीके से खेलते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल इसका वे सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक शॉट इसकी खेल सकते हैं। जब कुशन में आपका डेड बॉल आए तो आपने क्या खेलना है, उसके हवाले से मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस भी दूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि एक चीज में रखिएगा कि जब आपका बॉल कुशन के अंदर डेड हो जाए तो पहले तो चौक आपने नहीं भूलना हमेशा की तरह, जिस तरह मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। दूसरी बात ये कि ओवर एम्बिशियस ना हो। ओवर एम्बिशियस का मतलब ये हुआ कि आपने ये नहीं करना कि मैं यहां से मार के कोई स्क्रू कर लूंगा या मैं फॉलो करके 3-4 दफा कुशन लगा, नहीं, इधर अब आपने बड़ा टैक्टफुली शॉट जो खेलना है वो एक मीडियम पेस में, एक रिदम में, और अपनी जो अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, अगर पॉट करना है तो एक रिदम में आप करें, 2-3 पेस के ऊपर करें, एक पेस अपनी कंट्रोल करके करें और आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो करें, लेकिन ओवर एम्बिशियस ना हो। नहीं कुछ हो रहा तो चुप करके सेफ खेलें, लेकिन आपको ये खेलना आना चाहिए। अब इसमें यह है कि सबसे पहली चीज तो ये कि क्यू को थोड़ा सा आगे से पकड़ लें, अगर यूजली आप यहां से पकड़ते हैं तो क्यू को थोड़ा सा आगे से पकड़ लें, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने अपना ब्रिज रख लेना है जिस तरह हम लाइन ऑफ एम में टेबल के ऊपर रखते हैं, ठीक हो गया। अब हमने ब्रिज जब हमने बना लिया और हमने क्यू जो है वो तकरीबन इसके सेंटर में हम आगे तक ले गए, मेक श्योर करें इसको टच ना हो, ये देखें, ये देख रहे हैं हम गिरा दी मैंने, सो फाउल हो गया, ये गलती नहीं करती। सो जब आपने ब्रिज रखना है, अपने ब्रिज को अगर स्टडी रखेंगे और क्यू ऊपर रख लेंगे तो ये कभी भी नहीं लगेगा इसके ऊपर। इससे क्या होगा कि ये आपको वाइट बॉल के सेंटर को एग्जैक्ट डिफाइन कर रहा होगा। जब आपको पता लग जाए कि आप सेंटर में नहीं है तो आपने इधर जाना है, जहां भी है आप पहले उसको एडजस्ट कर लें, ठीक है, अपने आप को। तो जब आपने एडजस्ट कर लिया कि ठीक है जी मैंने इस तरफ जाना है, उसके बाद आप इसको पीछे लें। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर यहां से आप शॉट मारेंगे तो आप ऊपर क्यों निकल जाएगा आपका। तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने ब्रिज को, ये देख रहे हैं थंब मेरा फ्री है, थंब को साथ जोड़ें, ये देखें क्यों मेरा ऊंचा हो गया, आई होप आपको कैमरा में नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये ऊंचा कर लिया, इस फिंगर को हल्का सा ऐसे उठा लें तो मजीद ऊंचा हो जाएगा, ये देखिएगा, पहले हमने इधर से उठाया फिर हमने इधर से उठाया, थोड़ा सा और उठ गया, फील हुआ आपको, ठीक है, ये देखें, फिर 1-2 ऊंचा हो गया। अब क्या करना है, अभी भी मिस की हो रहा है, अब हमने क्यू को थोड़ा सा ऊंचा कर लेना है, क्यू को थोड़ा सा हमने ऊंचा कर लेना है ताकि हमारी शॉट जो है वो पूरी लगे और इधर नीचे खत्म हो, हल्का सा कुशन पे टच होगा क्यू शॉट मारते हुए, आपने कोशिश करनी है कि उसको मैनेज करके क्यू को आगे चलने दें। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने शॉट मार दी और क्यू मेरा कहां फिनिश हुआ है, मेरा क्यू यहां फिनिश नहीं हुआ, मैंने ये नहीं किया, अगर जो मैं ये करता इस तरीके से क्यू ऊपर चला जाता तो मेरा मिस क्यू हो जाता। सो मेक श्योर करना है कि जब आपने ये शॉट खेलनी है तो आपने अपने क्यू को जो है वो आगे की तरफ लेके जाना है और बहुत पावर से शॉट नहीं खेलनी। मैं फिर एक दफा आपको बताता हूं, देखते रहिएगा, वहीं पे कैमरा वहीं पे रहने दीजिएगा प्लीज, फिर देखिएगा, ब्रिज अलाइन कर लिया मैंने लाइन ऑफ एम, ठीक है, ऊपर टच नहीं होना, ये देखिए मैं टच करके बता रहा हूं, ये गलती है, ये नहीं करना आपने, लाइन देखनी है आपने, लाइन सेट हो गई, अब आपने एडजस्ट कर लिया, थंब को साथ जोड़ा, थोड़ा सा उठाया, इस थंब को उठाया, ये आपका शॉट जो है ये कंप्लीट हो गया। क्यू अगेन आपने आगे से पकड़ना था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो ये आपका आ गया, इसने आपका बेसिकली इस हाथ ने आपका वजन भी होल्ड किया हुआ है, तो वैसे तो आप खड़े होकर नहीं खेल सकते ना शॉट, तो आप जो ब्रिज, ये आर्म, ब्रिज आर्म जो है यहां पे पूरा आर्म होल्ड करता है, यहां भी ये होता है कि आपका ये जो पाम होता है ये आपके वेट को होल्ड करके आपको हेल्प करता है स्टेडी होने में। अब देखें फिर एक दफा, ब्रिज रख लिया, लाइन ऑफ एम एडजस्ट कर ली, ठीक है जी, यहां हिट करना है, ओके। अब क्या किया, थंब को मैंने साथ जोड़ लिया, उठा लिया, क्यू को थोड़ा सा ऊंचा किया और मैंने अपनी फैदरिंग जो है
इसमें दो तरीके हैं, मतलब दो रिकमेंडेड वे हैं। एक ये है कि आप यहां तक लाएं, इस कुशन की रेल तक पीछे लाएं और शॉट मार दें, बैक स्विंग जो है आपका इससे ज्यादा ना हो। एक ये है कि आप फुल बैक स्विंग करके हिट करें। सो दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट ये कि ये आपकी पर्सनल चॉइस भी होती है प्लेयर की, और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं दोनों चीजों के। लेकिन ये है कि अगर जो आप कुशन तक लाते हैं, इसमें ये होता है कि आपकी थोड़ी सी ट्विचिंग का चांस बनता है कि अगर यहां तक लाके, क्योंकि आपने रुकना होता है आर्टिफिशली, तो आपकी ग्रिप टाइट हो जाती है, जिसके नुकसान में आपको ये होता है कि आपकी थोड़ा सा जर्की क्यू हो जाता है। ठीक हो गया। तो अब इसको दूसरा जो तरीका है, जो कि मेनली है, मोस्टली रिकमेंडेड है, बल्कि टॉप प्लेयर्स भी ये करते हैं। देखिए, फिर मैं अलाइन कर लिया अपना ब्रिड रख के क्यू को लाइन ऑफ एम के साथ, मैंने टच नहीं होने देना, अगेन ठीक है, अलाइन किया, पीछे ले आए, थंब को साथ जोड़ लिया, ब्रिज को जोड़ लिया। अब ये है कि ये मेरा फुल बैक स्विंग और फुल मेरा शॉट लग गया, और मैं वहीं पे रुका रहा थोड़ी देर के लिए, जस्ट टू कीप माई सेल्फ स्टडी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉट है, आपने मेक श्योर करना है कि लाइन ऑफ एम को आप पहले एडजस्ट कर लें झुकने से पहले, वरना होता यह है कि हमारे जूम इन करने की जरूरत नहीं है आपको, होता यह है कि कई दफा हमारे जो है वो लड़के यहां पे शॉट के लिए झुकते हैं, फिर उसके बाद ऐसे एडजस्ट कर रहे होते हैं। दिस इज रॉन्ग, हाईली रॉन्ग, दिस इज नो वे यू शुड प्ले। ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसकी छोटी सी प्रैक्टिस मैं बताता हूँ, आप कोशिश करें कि आप लोग ये प्रैक्टिस कर लें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। प्रैक्टिस इसकी बड़ी सिंपल सी है कि ये आपके 1 2 3 4 ठीक हो गया, ये आप तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बॉल और दीजिएगा प्लीज मुझे, रेड 9 and 10 लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारे बॉल्स, ये आप 10 बॉल्स इधर लगा लें और एक प्लेयर आपके पास खड़ा हो जाए, स्टार्ट कर लें पॉट करना, यहां से बॉल उस पॉकेट में पॉट कर लें। ठीक है, आराम से आए, अपनी जो टेक्निक मैंने बताई है उसमें आप उसी तरीके से अपना लाइन ऑफ एम जज करें, पॉकेट के साथ अपने ब्रिज को उठाएं, क्यूइंग करें और आपने आराम से मारे, तेज नहीं मारनी आपने, ठीक है, और आपने उड़ जाना है फिर शॉट के साथ, मुझे बॉल प्लीज पकड़ाइएगा। इसी तरह फिर आप इस बॉल को वापस रख दें, फिर आप इस वाइक को इधर रखें, फिर आप इसी शॉट को दोबारा ट्राई करें, इस तरह करते करते 5-4-5 शॉट्स इस तरफ डाल लें, उसके बाद आप यही वाइट बॉल जो है बॉल वापस लगाते जाएं ताकि आपको याद रहेगी कौन सी पोजिशनिंग आप कर चुके हैं, फिर इसी वाइट को आप यहां पर ले जाएं, फिर उस पॉकेट में डालना शुरू कर दें, 4-5 पॉट्स उसमें डाल लें, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा इसी प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और ट्रिकी अगर जो आप करना चाह रहे हैं, एडवांस लेवल पे आ चुके हैं, तो फिर यहां से रख के मिडिल पॉकेट में डालना शुरू करें बॉल्स, यहां से 4-5 आप मिडिल में डालें, फिर यहां से 4-5 मिडिल में डालें, तो इस ये जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो काफी कंफर्टेबली आप हिटिंग के काबिल हो चुके होंगे बॉल्स को पॉट करने के लिए। फिर आप डेफिनेटली आराम से रेड्स भी रख सकते हैं बीच में और एम लेके अपना आराम से अपनी शॉट्स को एडजस्ट करके वही जिस तरीके से मैंने बताया। लेकिन आपने अगेन मैं कह रहा हूँ कि ओवर एम्बिशियस नहीं होना आपने, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, अपना एम पूरा ले लिया, आराम से आए और अपनी शॉट को आपने खेल दिया और देखते हैं रिजल्ट क्या है, गुड शॉट। सो ये आज का लेसन था ऑकवर्ड ब्रिजिंग के ऊपर, टाइट जब कुशन में बॉल होता है। मैं इसके बाद आगे जब थोड़ा सा आगे आता है बॉल उसके ऊपर मैं बाद में आपको एक सेशन दूंगा छोटा सा। सो आई होप दिस विल हेल्प। इसके हवाले से कोई सवाल हो आपके पास या कोई जवाब हो, कोई इस किस्म की कोई बात करना चाहते हो, डिस्कशन की करना चाहें। और दूसरा मैं एक और भी काम कर रहा हूँ कि आप अपनी जो वीडियोज मुझे भेजेंगे, जो भी भेज सकते हैं अपनी प्रैक्टिस की वीडियोज भेजें, उसके ऊपर मैं एनालिसिस वीडियोज एक बना के एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ नई, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई होप दिस वॉज इनफ फॉर द डे। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं उनके, मैंने ये उर्दू का चैनल पाकिस्तान में, दुनिया में बल्कि पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें रेगुलरली आपको, मेरा ख्याल है काफी कोशिश हमारी टीम की हो रही है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ सामने मैं नजर आता हूँ, बट इसके पीछे एक टीम वर्क होता है, तो वो टीम वर्क के बाद ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं।
तो अगर आप पर्सनलाइज सेशन लेना चाहते हैं, मेरे नंबर्स मौजूद हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर टेबल एक्सेसरीज या कोई आप टेबल लेना चाह रहे हैं या क्यूज आप परचेज करना चाह रहे हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। हमने कुछ क्यूज इम्पोर्ट की हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, तो जब आप आएंगे फिर मैं आप जब अगर ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली वील हेल्प यू आउट इन दिस रिगार्ड जी। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर प्रैक्टिस, अल्लाह हाफिज़।